13 मई को कानपुर में लोकसभा चुनाव की वोटिंग चल रही थी। इसी बीच 8 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया। मेल रूसी सर्वर से भेजा गया था। धमकी भरे इस मेल में पेरिस जैसे धमाके की चेतावनी दी गई है। 9 साल पहले जैसे पेरिस दहला था, वैसे कानपुर दहलाने की साजिश रची गई। धमकी देने वाले ने लिखा कि हम भी पेरिस धमाके के मास्टरमाइंड अब्दुल हामिद अबाउद सलाह अब्दुल सलाम से प्रेरित है। धमकी वाले मैसेज में क्या लिखा है आगे उसे बताते। धमकी वाले मेल में लिखा हुआ था कि स्कूल में विस्फोटक है, उन्हें तुम पर फेंक देंगे, थोड़ी देर में सब दम तोड़ दोगे और अंधेरे में डूब जाओगे। प्रदेश लाशों के पहाड़ के नीचे दफन हो जाएगा। तुम्हारे शहरों को मरावी के खंडहर में बदल देंगे। हम तुम्हें पेरिस की तरह उड़ा देंगे। मोदी और हर काफिर मुसलमानों को जवाब देंगे। धमकी भरे मेल में लिखा, आपने गुजरात में हमारे भाइयों को मार डाला और किसी ने भी आपको आतंकवादी नहीं कहा। आप हमें आतंकवादियों के रूप में पहचानते, जबकि वास्तव में आप हमारे धर्म के लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी और हर काफिर मुसलमानों को उत्पीड़न का जवाब देंगे। हर मीडिया आउटलेट के संपादकीय कार्यालय में घुसकर आपके झूठे पत्रों पर गला काट देंगे। आप सभी हमेशा के लिए नरक की भट्टी में रहेंगे। चाहे आप कहीं भी छिपे, चाहे आप बचने की कितनी भी कोशिश करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस युद्ध में अल्लाह का साधन बनेंगे। चाहे हमारे शरीर को कुछ भी हो जाए, कभी नहीं मरेंगे। उन लोगों को मरा हुआ न समझो जो अल्लाह की राह में मारे गए, बल्कि वे अपने रब के साथ जीवित हैं। आप मौत से डरते हैं, तुम्हारे शरीर को आग की लपटों में जला देंगे। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब सच्चाई की जीत होगी। दागिस्तान से मुंबई तक पूरी दुनिया में एक ही खलीफा होगा। वहीं स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के मामले में कानपुर की नजीराबाद साइबर थाने में एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि पूरी साजिश लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए की गई थी।